दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो उस टॉपिक पे आज एक फाइनल वीडियो बना दिया जाए। दोस्तों देखिए, आप गांव से हो या शहर से, अभी के टाइम में बहुत सारे लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो देखिए, ये वीडियो उनके लिए है जो कहीं ना कहीं छोटे या बड़े स्तर पे अपना प्रोडक्ट बनाकर अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से नहीं चल पा रहा है, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आप लॉन्च करने वाले हैं तो ऐसा क्या किया जाए कि मेरा प्रोडक्ट जो है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल प्रोफेशनल दिखे, जैसे बड़ी कंपनियों का प्रोडक्ट आता है वैसा दिखे और लोग उसे पसंद करें, लोग उसे खरीदें, आपका प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड बढ़े, आपके प्रोडक्ट का मार्केट में सेल बढ़े। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ब्रांडिंग कैसे करना है। मार्केटिंग के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज मैं बताने वाला हूं खास आप लोगों के लिए जो गांव में है या शहर में है या छोटे जगह से अपना प्रोडक्ट बनाकर लॉन्च करना चाहते हैं, अपने एरिया में बेचना चाहते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट वाला पॉइंट जो बताने वाला हूं वो बहुत ही तगड़ा है, अगर वो आपने कर लिया तो आपका जो सेल है वो दो गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मेरा नाम है आतिश, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल SBC बिजनेस। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और ऑल पे सेलेक्ट कर दे ताकि जो भी वीडियोस लेकर आऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको और आप पीछे ना रह पाओ। दोस्तों देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, जैसे कोई मसाला का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई नमक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई अपना बिस्किट जो वो होता है ना, घर पे कुकीज बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट लॉन्च करना चाहता है, कोई अपना नमकीन लॉन्च करना चाहता है, कोई हवा मिठाई जो होता है उसका वो लॉन्च करना चाहता है, या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट, हजारों लाखों प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है और ऐसा क्या किया जाए कि मेरा प्रोडक्ट भी प्रोफेशनल दिखे, बड़े कंपनीज की तरह दिखे और मार्केट में लोग उसे पसंद करें। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अगर कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, देखते हैं कि उसका डब्बा 100 ग्राम का है, ठीक है, तो आप सोचो कि अगर वो डब्बा, उसके ऊपर जो लेबल चिपका होता है वो ना रहे, सिर्फ वो डब्बा दिया जाए, तो आप उस प्रोडक्ट को लोगे या फिर जिसपे लेबल लगा है उस प्रोडक्ट को लोगे? जाहिर सी बात है कि जिसके ऊपर लेबल लगा, स्टिकर लगा हुआ है, ब्रांडिंग किया हुआ है, आप उस प्रोडक्ट को पहले उठाओगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कैसे करें। देखिए, अगर आप छोटे स्तर पे मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो जो पैकेट में पैक होगा या फिर डब्बे में पैक होगा, तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है ना कि सबसे पहली बात, आपको अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह तो कराना ही होता है जिस नाम से भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक मसाला लॉन्च कर रहे हो, मसाले का नाम आपने रखा राज मसाले। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, सबसे पहली बात तो आप राज मसाले के नाम से MSME रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपको नॉलेज है तो आप अपने आसपास करवा सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन हमारे पास भी हो जाएगा। स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्ट्रेशन होता है और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। सबसे पहली बेनिफिट कि आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाता है। दूसरा बेनिफिट कि आप बिजनेस जब चालू कर लेते हो, फ्यूचर में जब आपको लगता है कि मुझे बिजनेस और बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के अगर लोन चाहिए, तो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको बैंक से लोन भी मिल जाता है अपने व्यवसाय को और ज्यादा बड़ा करने के लिए। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपने रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद आप, सबसे पहली बात होता है कि आपको प्रोफेशनल, आपने प्रोडक्ट का नाम चूज करके रजिस्टर करवा लिया कि राज मसाले नाम रखना है। अब देखिए क्या होता है कि मार्केट में देख रहे हो आपकी MDH के मसाले हैं, एवरेज मसाले, तो देखते हो कितना खूबसूरत उसका पैकेट रहता है, उसके ऊपर लेवल रहता है, स्टिकर रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हो, छोटे लेवल पे कर रहे हो, ठीक है, तो फिर भी आप ना अपने लेवल पे आप स्टिकर डिजाइन करवा सकते हो, लेवल बहुत खूबसूरत सा डिजाइन करवा के और अपने प्रोडक्ट पे लगा के आप उसको जब मार्केट में उतारोगे ना प्रोफेशनली, उस पर नाम लिखा होगा, एक्सपायरी डेट होगा, MRP लिखा होगा, उसमें क्या क्या खूबियां हैं वो लिखा होगा, ये सारी चीजों के साथ मार्केट में जब आप स्टार्ट करोगे, मार्केट में जब उतारोगे, तो कस्टमर्स के बीच जब वो जाएगा ना, तो कस्टमर इसे देखने से प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगेगा लोगों को, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपका लोग उठाएंगे और उसे एक बार जरूर परचेज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने ब्रांड को मार्केट में पहचान दिलवाना, ब्रांड को मार्केट में लेकर जाना, और प्रोफेशनल दिखना चाहिए आपका ब्रांड। तो आप जब डिजाइन करवाओगे, स्टिकर लेवल वगैरह,
तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल दिखेगा। चाहे आप कितना भी छोटे स्तर पे कर रहे हो, आप अब स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ कि आप 1000-2000 पीसेस भी आराम से डिजाइन करवा सकते हो। ऐसे में तो 2000 पीसेस स्टिकर का ऑर्डर होता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं और ऑर्डर करते हो कराने के लिए, आपको कम से कम 6000 से लेकर 8000 10000 पीस एक बार में प्रिंट कराना होगा लोगों का। ये मिनिमम ऑर्डर का कैटेगरी होता है। लेकिन दोस्तों आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो यहाँ पे आप मात्र 2000 से 2000 पीस भी आप स्टिकर छपवा सकते हो। ठीक है, आराम से आपके हिसाब से डिजाइन करके मिलेगा। डिजाइनिंग का कोई चार्ज नहीं लगता, डिजाइनिंग फ्री है। लेकिन हाँ, फ्री कब तक है? जब तक डिजाइन एक नॉर्मल है, छोटा है। अगर आप बोलोगे कि सर मेरे को बहुत प्रोफेशनल डिजाइन चाहिए, 5-10 डिजाइन है, तो सर उसके लिए चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली एक डिजाइन है और उसका कम से कम 2000 पीस आप प्रिंट करवा रहे हो, तो डिजाइनिंग चार्ज भी नहीं लगता है। और आपको और ज्यादा डिटेल के लिए आप नंबर पे कॉल कर सकते हो और मात्र 2000 पीस भी आपको प्रिंट करके दे दिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके का मिलेगा और प्रोडक्ट को प्रोफेशनल कैसे बनाना है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई है, जैसे देख सकते हो ये एक देख सकते हो नीलकमल नमकीन का एक स्टिकर बना है, आप देख सकते हो। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये नीलकमल का स्टिकर है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा इसका। ये देख रहे हो छोटे छोटे स्टिकर, ये दो स्टिकर है, ये छोटे छोटे स्टिकर भाई साहब ने बनाए हैं अपने प्रोडक्ट पे लगाने के लिए। और अब मैं इनका, इन्होंने जब पहले बनवाया तो इन्हें पसंद आया तो इन्होंने और सारे स्टिकर्स बनवाए हैं, लेबल बनवाए हैं। आप देख सकते हो ये नीलकमल के बड़े साइज के लेबल्स है जो वो अपने नमकीन के पैकेट में लगाएंगे। आप देख सकते हो FSSAI है, इनका लोगो है, इनका नाम है, MRP है, नेट क्वांटिटी नेट वेट है, पैक्ड है कि पैक कब हुआ है, उसके बाद बेस्ट बिफोर मतलब एक्सपायरी है, उसके बाद फिर इनका नीचे एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया है जिसे मैंने हाइड कर दिया है। तो ये एक मतलब वो प्रोफेशनल लोगो है। और मैं आपको बताता हूं कि एक प्रोडक्ट को शानदार कैसे बनाया जाता है और ये चीज आप भी कैसे कर सकते हो। मैं आपको अभी करके बताता हूँ आपके नजरों के सामने। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक प्रोडक्ट है मेरा जो मैं मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये बताओ कि मैंने मसाले इसमें डाल दिए, ठीक है, या फिर नमकीन मैंने इसमें डाल दिया। अब ऐसे अगर जाएगा तो ये दिखेगा कि भाई कोई लोकल आदमी ने खाली डब्बा खरीदा मार्केट से और इसके अंदर प्रोडक्ट भर के बेचने के लिए मार्केट में रख दिया। ये कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। आप भी अगर मार्केट में जाओगे ना, अगर आपको भी ऐसा कोई प्लेन डब्बा में खाली अगर कुछ भरा हुआ मिले तो आप नहीं खरीदोगे। लेकिन यहीं पे सिर्फ एक काम आप करोगे तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोफेशनल, मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। वो काम क्या है तो आप देख सकते हो, ये स्टिकर लेवल है। ठीक है, ये स्टिकर लेवल है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रोडक्ट को प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं सिर्फ एक काम करके। ठीक है, सिर्फ एक काम करोगे, आपका मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करने लग जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकेंड दोस्तों, मैंने इस स्टिकर को निकाल लिया है। आप देख सकते हो ये स्टिकर मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको लगाने जा रहा हूं इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब दोस्तों आप ये बताइए कि अब ये प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है? अब ये प्रोडक्ट लग रहा है ना कि किसी ब्रांड का है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट है ये। अब देख रहे हो यहाँ पे लग गया ये नीलकमल नमकीन, तो ये हो गया अब किसी ब्रांड का प्रोडक्ट, किसी कंपनी का प्रोडक्ट। अब लग रहा है ये प्रोफेशनल। अब अगर ये मार्केट में कहीं रखा होगा तो लोग इसे पसंद करेंगे, लोग इसे देखेंगे, लोग इसे खरीदेंगे। तो दोस्तों यही है इस वीडियो, ये वीडियो बनाने का मेरा रीजन यही था। बहुत सारे लोग पूछते थे सर मैं क्या करूं, तो आप यही कर सकते हो कि आप इस तरीके के आप लेवल प्रिंट करवा सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए और अपने प्रोडक्ट पे लगाकर आप उसे प्रोफेशनल बना सकते हो, मार्केट में अपना ब्रांड वैल्यू बना सकते हो, ब्रांड को बड़ा कर सकते हो, ब्रांड को लॉन्च कर सकते हो। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। आपको डिजाइन वगैरह सारा चीज करके आपको पहले दिखाया जाता है, आप जब डन करते हो तभी आपको प्रिंट करके दिया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में तो उसे प्रोफेशनल कैसे दिखाना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट आपका ब्रांडेड कैसे दिखे, मार्केट में लोग उसे कैसे पसंद करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोडक्ट अगर आपको लेवल बनवाना है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिए ताकि जो भी वीडियोस लेकर आऊं तो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको।
और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत ही तगड़ा आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।